गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सारे के सारे खुश तंदुरुस्त और अपने अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे। टुडे इज सितंबर 21 और हम यहाँ पर सरचू में रात को स्टे किया था। बहुत बेसिक नेसेसरी की चीज़ें थी, खाना पीना सोना और लू के लिए बहुत ही बेसिक। तो रात को व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पा रही है, लैपटॉप की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई है। आज हम यहाँ से मनाली के लिए निकलेंगे और तो जाके लैपटॉप हम उसको चार्ज करूँगा और बैटरीज चार्ज करूँगा। लकीली मेरे पास पावर बैंक थे जो कि फुली चार्ज थे, उनसे मैं GoPro की बैटरीज चार्ज कर रहा हूँ और ब्लॉक कर पा रहा हूँ, बिकॉज इसी के लिए तो आए हैं, आप सभी के लिए तो आए हैं। और बहुत ठंडा मौसम है, देखो सब गर्म पानी के गिलास लेके घूम रहे हैं क्योंकि अंदर की मशीनरी जम गई है। कौन सा गिलास है गर्म पानी का? तीसरा। तो जब तक मशीनरी अंदर की पिघलेगी नहीं तो कैसे वेस्टेज बाहर जाएगी। तो यार ये चल रहा है यहाँ पर, बाइक अभी दस मान रेडी है, बैग उठा के अंदर रखना है, देन आम डन, बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। अगर करते हैं तो अदरवाइज आगे जाके डिले कर लेंगे। हम जाने के लिए रेडी हैं एज यूजुअल। हमारा एक राइडर 850 GS पे है, सो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही उसकी एंड अब आ गया है, स्टार्ट हो गई है। सो वी गोइंग टू लीव फॉर मनाली नाउ। सो बारालाचा क्रॉस करके हम नीचे आ गए हैं, यहाँ पर एक छोटी सी लेक है। सो उस लेक के पास थोड़ा सा फोटो सेशन होगा और ठंड काफ़ी ऊपर थी, टोटली कवर्ड था मैं, विंटर ग्लव्स पहन रखे थे, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। थोड़ा विजिबिलिटी का इशू मुझे आ रहा था क्योंकि फॉग बन रही थी, मेरा एंटी फॉग स्प्रे भी ख़त्म हो गया एंड उस चक्कर में मुझे प्रॉब्लम हुई। तो मैंने अपने ग्लासेस भी उतार के रख दिए थे, तो मैंने कहा चल कोई नहीं होगा, बट एंटी पिन लॉक जो लगा हुआ है, पिन लॉक भी एंटी फॉग है, बट स्टिल उसके ऊपर वो फॉग से ना पानी 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 हो रहा था, तो मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने ओपन कर दिया। ठंड लग रही थी मुझे, बट इट्स फाइन, इजीली सहन करने वाला था तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़िया, नीचे आ गए हैं अब और व्यू तो आप देख ही रहे हो, इट्स गुड। बस भाई लोग सारे के सारे गेट अप ही हैं, अब यहाँ से सीधा मनाली के लिए ही चलेंगे क्योंकि मेरे को फीलिंग करानी है। आई गेस अराउंड 71 किलोमीटर दिखा रहा है चलेगी रेंज, होपफुली आई विल रीच नियर बाय पेट्रोल पम्प। ये क्या कर रहा है ये टेंजिन? ओए होए, ये मैं भी करूँगा। ओए सीधे अंदर गया। सो जी भाई साहब, एज पे ही पहुँचा हूँ मैं, 20 किलोमीटर रह गया था पेट्रोल की रेंज में ही मैं पहुँच पाऊँगा। फाइनली केलोंग पहुंच ही गई बाइक अपनी। सो फाइनली हम लोग अटल चैनल में एंटर करने वाले हैं, बस सब भाई एक बार खड़े होके फोटोएं खींच रहे हैं अपनी। सो दिस इज़ दी अटल टनल। अब यहाँ से क्रॉस करके पता नहीं वो लोग, हिमांशु उस तरफ खड़ा है, इस तरफ खड़ा है, हमें वहाँ तो नज़र नहीं आया, बट आगे जाके शायद बाहर निकल के वो खड़ा हो, होपफुली। अदरवाइज तो वी आर ऑन टाइम, अभी ऑलमोस्ट 11:55-12 बजने वाले हैं, होटल में चेक इन कर लेंगे, एक घंटा दिखा रहा है बस 59 मिनट्स, एंड देन रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर एंड फिर निकलेंगे बाहर मनाली एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ कैफेज़ वगैरह जाएंगे। सो फाइनली मैं अपने रूम में आ गया हूँ और ये टीवी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। हाँ, सो दैट्स द रूम फॉर टू नाइट एंड कल हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। सो कल हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सारे के सारे खुश तंदुरुस्त अपने अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे। आज है सितंबर 22nd एंड हम लोग ऑलमोस्ट शिमला के नियर बाय हैं। यहाँ से दिल्ली और 400 समथिंग किलोमीटर होगा, मे बी लेस, नॉट श्योर एग्जैक्टली। सुबह मैं सबसे लेट उठा, सारा का सारा ग्रुप निकल चुका था, मेरे से थोड़ा सा पहले हर्ष निकला एंड हालांकि मैंने अपना सारा बैकअप, जो सामान था मेरा बैग था, मैंने बैकअप व्हीकल में रख दिया था। सो आई वॉज
राइडिंग टेंशन फ्री कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मेरे को वरी होना पड़े. या सो फाइनली वी हैव रीच्ड समवेयर इन बिटवीन. ये कौन सी जगह भैया? ओहर है. ओहर, तो हम ओहर में हैं. यहाँ पर पहले से लिंक शेयर कर दिया था इस रेस्टोरेंट का, तो इसलिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं. और बस अब लंच करेंगे यहाँ पे. बैकअप व्हीकल और दूसरी इशू जो काफ़ी पीछे हैं बिकॉज जाम बीच में बहुत लंबा था 1 घंटे का. सो हम और रात को, मैं व्लॉग की एंड नहीं कर पाया बिकॉज रात को चंडीगढ़ के BMW कृष्णा मोटर्स वाले भी और हमारा दोनों का जो क्या कहते हैं होटल था सेम था, तो एक गेट टुगेदर रखा हुआ था, तो वहाँ पर बस सब लंच कर रहे थे एंड खा पी रहे थे. सो बस बैठे रहे रात तक. और रात को जब सोने गया तो मुझे होश ही नहीं था, मेरी आँख सुबह 7 बजे खुली और 7 बजे का टाइम था कि जब हमें निकलना था. सो थैंक फॉर ऑल माई टीम जिन्होंने वेट किया हमारा. एटलीस्ट मैंने अपना सामान बैकअप व्हीकल में रख दिया. सो आई एम ऑल सेट. अभी ऑर्डर कर दिया है, अब हम कुछ खाना खाएंगे एंड देन आपको अपडेट दे. हाय गाइस, सो नाउ वी हैव रीच अम्बाला. अम्बाला भी हमने यहाँ पर आके थोड़ा सा खाया पिया. यार भूख लग रही थी, मैंने कहा अब रुकना नहीं है रास्ते में कहीं पे. सो इट्स बेटर कि अब एक बार खींच के जल्दी से. बहुत खींची हमने. आगे भाई पकड़ी हुई है, इसको टैंक पे लगा दे. अच्छा, या एक छोटा. सो मैंने अपना जर्सी निकाल दिया है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और ऐसे ही आर्मर के अंदर ही चलाऊंगा मैं. रेडी है भी चलने के लिए. मेरे साथ खींचता हुआ आ रहा है, बहुत अच्छी बाइक चला रहा है एंड बिल्कुल मेरे साथ साथ ही है, बिल्कुल पेस बना के रखा हुआ है. सो अब सीधा दिल्ली के लिए निकलते हैं. इसको दिल्ली जाना है, मेरे को गुड़गांव जाना है, तो टाइम से पहुंच जाएं. ये भी घर पहुंच जाए टाइम से, मैं भी घर पहुँचता हूँ टाइम से, है ना. गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ, लेकिन गर्मी ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है. पानी पीते जा रहे हैं, इसके पास हाइड्रा पैक नहीं है, बॉटल भी पता नहीं कहाँ है, इसको कुछ खुद नहीं पता होता. मेरे पास तो हाइड्रा पैक है. चलो बस अब निकलते हैं जी. चलो बाय.